केंद्र सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए तीन कानून बनाए, ऐसा कहा। मगर यह कानून किसानों से सलाह मशवरा करके नहीं किया। यह बात इससे सिद्ध होती है कि किसान इसके विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलनरत है। किसानों का यह कहना है कि यह जो कानून बनाए गए हैं, इस कानून के द्वारा खेती उद्योगपतियों को सौंपने का षड्यंत्र है, साजिश है। और ये बात किसानों की सही मानी जा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो मजदूरों के फायदे के कानून थे, वो कानून उद्योगपतियों के फेवर में बनाए और बहुत सारे कानून रद्द कर दिए। जब लेबर लॉ जो उद्योगपतियों के हक के लिए, लेबर लोगों के विरोध में केंद्र सरकार ने बनाए, तो यह कानून जो किसानों के लिए बनाए, वो किसानों के फायदे के लिए बनाए, इस पर यकीन कैसे किया जा सकता है, इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। किसानों का यह कहना है कि ये जो कानून बनाए हैं, इस कानून में एमएसपी की व्यवस्था करने का कानून भी किया जाना चाहिए था, ताकि किसानों को जब कानून बनाया ही है तो गारंटी वाला कानून बनाया जाना चाहिए था कि जो भी केंद्र सरकार रेट निर्धारित करेगी, उस रेट पर ही व्यापारी किसानों का माल खरीद सकते हैं, फसल खरीद सकते हैं। मगर केंद्र सरकार ने ऐसा गारंटी देने का काम और प्रोटेक्शन देने का काम नहीं किया है, ऐसा किसानों का कहना है। इसके विरोध में किसानों ने पिछले दो महीने से पंजाब में और हरियाणा में आंदोलन चला रहे थे, और ये जो आंदोलन चला रहे थे, अब उन्होंने दिल्ली के तरफ कूच करने का निर्णय किया, और वो दिल्ली में आकर केंद्र सरकार ने कानून बनाए तो केंद्र सरकार के साथ वार्ता करना चाहते हैं, केंद्र सरकार के साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो किसान दल बल के साथ में दिल्ली में आने के लिए निकले। हरियाणा सरकार जो बीजेपी की है, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, मगर किसान रुके नहीं, और अंतिम तक केंद्र सरकार को बुराड़ी का जो मैदान है, उस मैदान पर जाने के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन में जाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से जाने के लिए सहमति दी, ऐसा टीवी में खबरें चल रही है। मगर शुरू में जब किसान इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, तो इसके विरोध में केंद्र सरकार ने आंसू गैस के गोले किसानों के विरोध में छोड़े। जो ठंडी चल रही है, इस ठंडी में पानी के फवारे बड़े पैमाने पर किसानों के विरोध में छोड़े। ये जो अन्याय केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है किसानों के विरोध में, तो हमारी हमेशा पॉलिसी रही है कि जो भी मजलूम है, जिसके ऊपर भी अन्याय होता है, हम उसके समर्थन में खड़े होते हैं। तो मैं उसके समर्थन में खड़े होने के लिए ऐलान कर रहा हूं, और भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का, जो हमारा सारा देशव्यापी संगठन का जाल है, उसके द्वारा हम सारे देश भर में इसका समर्थन करते हैं।
जहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उसको हमारा समर्थन है। पंजाब में और हरियाणा में हमारे जो संगठित यूनिट है उस आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी है। अगर किसानों को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये मामला इतने आसानी से सुलटने वाला नहीं है, सुलझने वाला नहीं है, अगर सुलझने वाला होता तो पहले ही सुलझ गया होता। इसके लिए किसानों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संगठन उसके समर्थन में खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो किसानों के जो देशव्यापी संगठन है, छोटे छोटे स्टेट लेवल के संगठन है, उन सभी लोगों के साथ सलाह मशवरा करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के बारे में हम लोग किसानों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर किसान इस तरह से ये आंदोलन करना चाहते हैं तो हम लोग संगठित शक्ति के साथ किसानों के समर्थन में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के लिए पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का जो राष्ट्रव्यापी संगठन है इस आंदोलन के लिए सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहता है और आगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए भी पहल करने के लिए भी तैयार है। किसानों के संगठनों के साथ चर्चा सलाह मशवरा करके यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।